हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने द लर्निंग जोन चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट 2 लेकर के आई हूँ इंग्लिश का। प्रैक्टिस सेट 1 की वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। जिन भी मेरे फ्रेंड्स ने वो वीडियो देख ली है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने भी नहीं देखी है तो प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो, क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि आप लोगों की कितनी तैयारी है और किसमें आप लोगों को और ज़्यादा थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है या फिर कौन सा आपका पॉइंट अच्छे से क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियोस को ध्यान से ज़रूर देखिए और क्वेश्चन लिख के अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करिए। हालांकि आंसर मैं बताती जा रही हूँ, लेकिन फिर भी अपना एक स्कोर आप लिखते जाइए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, कितने रॉन्ग हैं, किस में आपको ज़्यादा और मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप लोगों के लिए ही बेनिफिशियल होगा एग्ज़ाम्स के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1 से प्रैक्टिस सेट 2 को। हाँ, तो चेंज इनटू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन को चेंज करना है सेंटेंस को। तो इसमें फर्स्ट सेंटेंस है, व्हाई डिड यू गो देयर यस्टरडे, सेड राम टू श्याम। ठीक है, तो अब इसको हमें चेंज करना है। तो चलिए मैं जब तक इसके दोनों तीनों ऑप्शंस को पढ़ती हूँ, जब तक आप लोगों का आंसर भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपके पास 5 or 6 सेकंड का टाइम होगा मैक्सिमम इसको सॉल्व करने के लिए, और नहीं तो आप वीडियो पॉज करके भी इसको देख सकते हैं। फर्स्ट इज राम आस्क्ड श्याम व्हाई ही हैड गोन देयर द प्रीवियस डे। सेकंड इज राम टोल्ड श्याम दैट व्हाई, यहाँ पे वाई की स्पेलिंग गलत हो गई है, ए आ गया है फालतू में। राम टोल्ड श्याम दैट व्हाई डिड यू गो देयर द प्रीवियस डे। थर्ड इज राम आस्क्ड श्याम व्हाई ही वेंट देयर द प्रीवियस डे। ओके, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं सिलेक्ट। तो इसका आंसर आप लोगों ने फ्रेंड अभी तक सोच ही लिया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि इसमें दिया हुआ है सेड राम टू श्याम। तो यहाँ पर राम ने पूछा श्याम से, राम आस्क्ड श्याम व्हाई, व्हाई यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है तो उसको सबसे पहले हम रखेंगे व्हाई ही। ओके, यहाँ पे यू का ही में चेंज हो जाएगा, ही डिड का हैड में चेंज हो जाएगा और थर्ड फॉर्म आ जाएगी, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। सो व्हाई ही हैड गोन देयर द प्रीवियस डे, यस्टरडे का प्रीवियस डे में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ए। सेकेंड इज चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, शी इज अ फैन ऑफ स्टेग्नेंट वाटर। अब यहाँ पर ही फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज किया गया है, तो यहाँ पर चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, शी इज अ फैन ऑफ स्टेग्नेंट वाटर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, शी इज अ फैन ऑफ स्टेग्नेंट वाटर मीन्स होता है इसका मीनिंग टू ही स्थिर पानी के पैसेंजर, मीन्स नॉट फ्लोइंग और नॉट मूविंग। तो यहाँ पे कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है? तो यहाँ पर शी इज अ फैन ऑफ स्टेग्नेंट वाटर। यहाँ पर आप लोगों ने अभी तक आई होप सोच ही नहीं होगा कि आप लोगों का आंसर क्या है। तो यहाँ पर अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि यहाँ पर आंसर है मेटाफर। यहाँ पर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। She falls like a tear from the eyes of a bride. अब देखिए यहाँ पर कुछ और भी बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर like का यूज किया गया है। ओके, और जहाँ पर as और like का यूज किया जाता है, obviously वहाँ पर सिंधी metaphor, सिंधी figure of speech का ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधी। The naughty boy is cunningly simple. अब देखिए यहाँ पर तो अपोजिट चीजों का साथ में यूज किया जा रहा है, कनिंगली भी है और सिंपल भी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताने की जरूरत नहीं है कि कौन से फिगर ऑफ स्पीच पे यूज किया गया, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे कोई मानवीकरण का यूज नहीं किया गया है। यहाँ पर हाइपरबोल है नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई बात बढ़ा चढ़ा करके नहीं कही जा रही है। यहाँ पर दो विपरीत कंडीशन एक साथ दिखाई जा रही है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया जाएगा। मैंने इतना ज्यादा इसलिए बोला फ्रेंड, जिससे कि आप लोगों को तीनों एक बार क्लियर हो जाए कि पर्सनिफिकेशन का मीनिंग, हाइपरबोल के भी और ऑक्सीमोरन का भी। ठीक है, तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंड ब्यूटी बॉर्न ऑफ मर्मरिंग साउंड शैल पास इनटू हर फेस। अब देखिए
ऑनोमेटोपोया, ऑक्सीमोरन और एंटीथेसिस. कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यहाँ पे यूज किया गया है? इट्स ऑल्सो वेरी क्लियर कि यहाँ पे साउंड का यहाँ पे यूज किया जा रहा है मर्मरिंग. तो यहाँ पे ऑनोमेटोपोया फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया जाएगा. ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें करेक्ट फॉर्म को यूज करके स्पेलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है. ब्रिज इज एन इल्यूजन ऑफ द आईज, इल्यूजन ऑफ द आईज और फ्यूजन ऑफ द आईज. ठीक है, आप लोगों ने आई होप अपना आंसर अभी तक सोच ही होगा कि इसका आंसर क्या होगा. तो चलिए इसका आंसर होगा, मैं बता देती हूँ, इसका आंसर होगा इल्यूजन. मिरेज इज एन इल्यूजन ऑफ द आईज. ये एक आईज का एक भ्रम होता है. ठीक है, इल्यूजन इज भ्रम. आई वॉज अपॉइंटेड डैश दिस पर्सन. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोगों ने सोच ही लिया होगा अभी तक इसका आंसर. तो इसका आंसर हो जाएगा आई वॉज अपॉइंटेड टू दिस पोस्ट. ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए. Seventh is his arguments amount dashed nothing. Okay. Seventh. So seventh में क्या आएगा? Four आएगा, two आएगा कि eight आएगा? आप लोगों ने अपना आंसर सोच ही लिया होगा. Friends, इसका आंसर है his arguments amount to nothing. I am always very well pleased dash country Sunday. ठीक है. तो eighth का आंसर हो जाएगा with. I am always very well pleased. With a country Sunday. यहाँ पे फ्रेंड्स ये मैंने एग्जाम के मैटर को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सारे क्वेश्चंस फाइंड आउट किए आप लोगों के लिए और बड़ी मेहनत से किए फ्रेंड्स. इसको करने में बड़ा टाइम लगता है. तो फ्रेंड्स प्लीज एक लाइक तो बनता है एटलीस्ट. आप लोग लाइक जरूर करिए वीडियोस को, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं ना तो आगे हमें थोड़ा उत्साह नहीं मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए. तो आप लोगों की लाइक से हमें एक एनर्जी मिल जाती है, एक बूस्टर के जैसे काम करता है. तो प्लीज लाइक जरूर करिए इसको. लाइक करने में क्या जाता है, सिर्फ एक सेकंड लगता है. ठीक है, और अगर पसंद नहीं आया तो आप लोग अनलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन प्लीज बताइए जरूर कि आप लोगों को इसमें पसंद क्या नहीं आया और अनलाइक क्यों किया है. क्योंकि अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो हम आगे सुधार नहीं कर पाएंगे. तो फ्रेंड्स प्लीज लाइक और अनलाइक जो भी आपको जैसे भी लगे. पसंद आए तो लाइक करिए और नहीं पसंद आए तो अनलाइक करिए, लेकिन प्लीज बताइए जरूर कि अनलाइक क्यों किया. ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिससे उन लोगों को भी हेल्प हो सके आगे एग्जाम्स के लिए. तो फ्रेंड्स ये टेस्ट बस प्रैक्टिस सेट्स इसलिए जिससे आप लोगों को पता चल सके कि आप लोगों की किसमें कितनी प्रिपरेशन है ग्रामर पोर्शन में. ठीक है, कितने पानी में हम कह सकते हैं कि कौन कितने पानी में पता चल जाएगा. ठीक है, तो इसलिए प्रैक्टिस सेट मैं तैयार कर रही हूँ. आगे मैं बहुत सारे प्रैक्टिस सेट डालने वाली हूँ. और मेरे जिन भी फ्रेंड ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जो आने वाली वीडियो होगी उन सबके लिए नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी. इसमें एक बेल आइकन होगा, उसको जरूर प्रेस करिएगा प्लीज. ठीक है, नोटिफिकेशन के लिए. ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ. फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. अब यहाँ पे हमें कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है उसको फाइंड आउट करना है. तीनों ही एप्रीहेंड, लेकिन कौन सी स्पेलिंग एप्रीहेंड की सही है आप लोगों ने अभी तक सोच ही लिया होगा. मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट हैं. तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि इसमें आंसर है नाइन का बी. कि एप्रीहेंड की स्पेलिंग होती है APPREHEND. नेक्स्ट इज अरेंज द सेंटेंसेस. यहाँ पर टेंथ क्वेश्चन में फोर सेंटेंसेस दिए हुए PQR and S. ठीक है, एस यहाँ पर स्लाइड पर दिया हुआ है. तो इसमें आप लोगों को फाइंड आउट करना है कि इन चारों में जो ये जंबल सेंटेंसेस हैं कौन सा इनमें करेक्ट सेंटेंस, मतलब सीक्वेंस में सही में लगाना है इनको. और एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरह के पूछे जरूर जाते रहते हैं. ठीक है, तो प्लीज ध्यान से. तो टेंथ में हम पढ़ते हैं इसके पॉइंट्स को. पी लाला लाजपत राय स्पेंट. क्यू इज लेक्चरिंग वाइडली एंड अट्रैक्टिंग मैनी अमेरिकन लीडर्स. R is to sympathize with the Indian nationalist position. S is almost 5 years in America. ठीक है, तो अब इसका सीक्वेंस आप लोगों ने इतनी जल्दी सोच पाया कि नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन प्लीज वीडियो को पॉज करके जरूर आप लोग ध्यान से करिए इसको. कोई जल्दबाजी नहीं है कि कोई आप लोग का एग्जाम नहीं है.
सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट है, यहाँ पर आप लोग वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, ठीक है? तो आप लोग ध्यान से सोचिए, तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ, अपना टाइम वेस्ट आप अपना और आप लोगों का दोनों का टाइम वेस्ट ना करते हो, इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसका आंसर है, टेंथ का आंसर है ए, पी एस क्यू आर, ठीक है? तो फर्स्ट आएगा लाला लाजपत राय स्पेंड ऑलमोस्ट 5 years इन अमेरिका, almost spent in America lecturing widely and attracting many American leaders to sympathize with the Indian nationalist position. ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा PSQR. Next is he there. इसका क्वेश्चन मैपिंग से जैसे आप लोगों को सेंटेंस अरेंज करने हैं, छोटे से सेंटेंसेस छोटे छोटे हैं, देखिए दोनों क्वेश्चंस में मैंने छोटे छोटे ही लिए, इससे आप लोगों को ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो। तो पढ़ते हैं हम, he there 40 feet to fight who challenged him to duel. तो ये तो छोटा सा है, इसमें आप लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो मैं बता देती हूँ इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है डी, QPRS. He there to fight the 40 thieves who challenged him to duel. ठीक है, नेक्स्ट इज 12th क्वेश्चन, मिल्टन सेड दैट those persons would be damned who do not obey God's command. Okay, तो ये तो बहुत ही जानी पहचानी सी लाइन है, ऑन इज ब्लाइंडनेस केयर, ग्रेट मिल्टन की पोएम ऑन इज ब्लाइंडनेस से ली गई है। तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है PQR. इसमें एडजेक्टिव सेंटेंस को लिया गया है, ये सारे सेंटेंस पहले से अरेंज है। Milton said that those persons would be damned who do not obey God's command. Okay. The next question is, find the correct alternative in the italicized part of the sentence. Okay. 13 is, no sooner I saw the tiger than I fled. इसमें यहाँ पर ये no sooner I saw italicized है, तो यहाँ पर हमें इसको correct करके लिखना है कि इसमें option में से कौन सा आएगा। No sooner I had seen the tiger than I ran away. No sooner did I see the tiger than I ran away. As soon as I saw the tiger then I ran away. ठीक है, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? No sooner did I see the tiger than I ran away. इसका आंसर हो जाएगा B. 14th is, the customer said, please give me the another one. Please give me the another one. तो इसकी जगह की यहाँ पर क्या आएगा? The customer said, please give me the other one. Please give me other one. ठीक है, यहाँ पे डा है और यहाँ पे डा नहीं, इतना डिफरेंस है। Please give me the another one to me. ठीक है, तो इनमें से कौन सा आएगा यहाँ पर? और 3 का आंसर हो जाएगा A. The customer said, please give me the other one. यहाँ पे another नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे other one आ जाएगा। Okay. Now idioms and phrases. He is a wolf in sheep's clothing. ठीक है, सुना भी होगा आप लोगों ने मुहावरा, भेड़ की खाल में भेड़िया। ठीक है, तो ऐसे किन लोगों को कहा जाता है? रूक, रूक और हिपोक्राइट। ऑब्वियसली इट्स वेरी सिंपल, हिपोक्राइट। ठीक है, जो ढोंगी टाइप के लोग होते हैं उन लोगों को। 16 है, दिस बुक इज हेल्पफुल आई एजुकेटिंग द पब्लिक अबाउट द डैश ऑफ द वास्तु प्रिंसिपल्स एंड इट्स डैश टू मॉडर्न टाइम्स। अब यहाँ पे क्या आएगा करिकुलम लाइंस में, ये हमें देखना है। यूटिलिटी ऑफ द वास्तु प्रिंसिपल्स एंड इट्स इम्पोर्टेंस टू मॉडर्न टाइम्स। बी इज सिग्निफिकेंस ऑफ द वास्तु प्रिंसिपल्स एंड इट्स एप्लीकेशन टू मॉडर्न टाइम्स। और थर्ड इज इंफॉर्मेशन ऑफ द वास्तु प्रिंसिपल्स एंड इट्स रिलेवेंस टू मॉडर्न टाइम्स। ठीक है, तो 16 का आंसर हो जाएगा बी। This book is helpful in educating the public about the significance of the Vastu principle and its application to modern times. Okay. 17 is adjective of destroy. अब यहाँ पर हमें बताना है कि destroy जो word है, इसका adjective यानी कि विशेषण क्या होगा? Destroyer होगा, destruction होगा कि destructive होगा? आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स डिस्ट्रक्टिव।
ठीक है, तो मैं आप लोगों को और बता देती हूँ फिर कि एडजेक्टिव जो डिस्ट्रॉय का जो एडजेक्टिव होगा वो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इसका जो नाउन होगा वो डिस्ट्रॉयर और डिस्ट्रक्शन, कि डिस्ट्रॉयर भी इसका नाउन हो सकता है और डिस्ट्रक्शन भी इसका नाउन हो सकता है, ठीक है, और इसका एडजेक्टिव डिस्ट्रक्टिव हो गया, और इसका जो एडवर्ब होगा वो डिस्ट्रक्टिव भी हो जाएगा, ठीक है, डी आई डी ई एल वाई इसका एडवर्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका एडवर्ब हो जाएगा ये इसका, ठीक है, तो मैंने आप लोगों को इसके चारों बता दिए, ये दोनों इसके नाउन हो जाएंगे, ये एडजेक्टिव हो गया और ये इसका एल वाई लग जाएगा तो एडवर्ब हो जाएगा, ओके, सो नाउन ऑफ डिस्ट्रॉय ये तो मैंने आप लोगों को ऊपर ही बता दिया भाई, कि नाउन ऑफ डिस्ट्रॉय क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा कि डिस्ट्रक्टिव होगा कि डिस्ट्रक्टिव भी हो जाएगा, ठीक है, डिस्ट्रक्टिवली इसका एडवर्ब हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इसका क्या हो जाएगा, ऊपर आया है एडजेक्टिव हो जाएगा, और डिस्ट्रक्शन और डिस्ट्रॉय इसका नाउन हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डिस्ट्रक्शन, इसलिए कि क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, ये लैंग्वेज में पूछे ही जाते हैं, हिंदी में भी पूछे जाते हैं और इंग्लिश में भी पूछे जाते हैं, कि कोई एक शब्द दे दिया कि इसका विशेषण क्या होगा, इसका संज्ञा क्या होगी, इसका एडवर्ब क्या होगा इंग्लिश में, उसका एडजेक्टिव क्या होगा, उसका एडवर्ब क्या होगा, उसका नाउन क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है, सिर्फ ये समझने की चीज है, ये रटी तो नहीं जा सकती है ऑब्वियसली, ठीक है, लेकिन ये समझा जरूर जा सकता है अच्छी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर ऐड किए, जिससे आप लोगों को अगर ये पॉइंट ना क्लियर हुई हो तो आप लोग इनको क्लियर कर लें, ठीक है, तो 19th क्वेश्चन इज सिनोनियम ऑफ इंट्रोवर्ट, यहाँ पे इंट्रोवर्ट का सिनोनियम बताना है हमें, क्या होगा बैशफुल, हिपोक्रेट और एक्सट्रोवर्ट, मैंने ऑप्शंस तो यहाँ पे बहुत ही इजीली है, आप लोग देखते ही समझ गए होंगे कि हिपोक्रेट तो होगा नहीं भाई, ठीक है, इसका सिनोनियम एक्सट्रोवर्ट भी नहीं होगा, ये तो अपोजिट हो जाएगा इसका, तो सिनोनियम होगा इंट्रोवर्ट का बैशफुल, राइट आंसर इज 19 का ए, एडजेक्टिव ऑफ एडवांटेज बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, तो यहाँ पर एडवांटेज का एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका एडजेक्टिव हो जाएगा एडवांटेजियस, ये यहाँ पे इसका एडजेक्टिव हो जाएगा एडवांटेजियसनेस, इसका नाउन हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा इसका, और एडवांटेजियसली इसका एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है, मैंने तीनों आप लोगों को क्लियर कर दिए, तो अब आ रही है फ्रेंड्स आज के हमारे क्वेश्चन की, जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करके बताना है, ठीक है, सो क्वेश्चन इज द कार डाइड इन द मिडल ऑफ द रोड, कार रास्ते में ही मर गई, बीच रास्ते में, ठीक है, आप इसमें कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है, पर्सोनिफिकेशन का, मेटाफर का, सिमिली का, हाइपरबोलिक का, अब ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, तो फ्रेंड्स प्लीज ज्यादा से ज्यादा मुझे आंसर करिए, मुझे भी अच्छा लगता है, आगे भी मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाने वाली हूँ, और आप लोगों की कोई स्पेशल रिक्वेस्ट हो कि कुछ इस टाइप के मैं क्वेश्चन ऐड करूँ वीडियो में, तो प्लीज ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करके जरूर बताइए, और ये प्लीज जाते जाते लाइक जरूर कर दीजिए, पसंद नहीं आए तो अनलाइक कर दीजिए, लेकिन वो भी मुझे बता दीजिए कि पसंद क्यों नहीं आया, ठीक है, जिससे मैं आगे सुधार कर सकूँ, शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए, और जब भी मेरे फ्रेंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराए तो प्लीज आगे आने वाली वीडियोज के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए, थैंक यू फ्रेंड्स।